ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 36 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड अलोंग द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट। ध्यान आगे प्लीज, एक लॉन्ग, ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये बार मैग्नेट है, और आपको ए और बी पॉइंट पता है कहाँ गिवन है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ए पॉइंट है और इसके सेंटर से 2x डिस्टेंस पे बी पॉइंट है। कोई मुझे बताएगा ये कौन सी लाइन है मैग्नेट की? एक्सियल। तो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, एक x पे और एक 2x पे, दो पॉइंट्स हैं। आपको रेशियो निकालनी है फील्ड की। अब एक्सियल का फॉर्मूला लगेगा, बी एक्सियल जो होता था याद करो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का यानी कि आर का क्या होता था, क्यूब। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी और मैग्नेटिक के अंदर भी सेम है, ई एक्सीएल भी आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट डायपोल है, और बी एक्सीएल भी आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक डिस्टेंस कितना है एक्स और एक कितना है 2x। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, बी वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब और बी टू क्या लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x क्यूब। डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। आंसर समझ में आ रहा है कि एक्सीएल का फॉर्मूला लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? सही मेथड समझ में आ रहा है? जैसे रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल बार मैग्नेट इन द एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, और ब्रॉड साइड पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बी में कितने का फर्क होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रेशियो 2, एक्सेल में 2p बाई आर क्यूब था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसमें सिर्फ p बाई आर क्यूब है, तो 2 का फर्क है। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। समझ में आ रहा है यहां तक, एक्सेल और इक्वेटोरियल में 2 का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 4, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज 40, मैग्नेटिक पोटेंशियल मिडवे क्या होगा। देखो ये एक नई प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है, वो तो किया ही नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, मैग्नेटिक पोटेंशियल थोड़ी ना किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था याद करो, जैसे अगर ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, और मान लो ये मिड पॉइंट है, तो कोई मुझे बताएगा कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, 1/4πε0 q/r, और इसकी वजह से क्या होगा, 1/4πε0 q/r, और नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0। ऐसा करते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जब भी आपने यूज़ किया वो ये यूज़ किया, बोलो मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह म्यू नॉट बाय 4π। स्मॉल क्यू का काम कौन करता है मैग्नेट में, पोल स्ट्रेंथ, ये है फॉर्मूला बाय आर, इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह, ये रहा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल बिल्कुल वही काम करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करता है, सही है यहाँ तक, बस स्मॉल क्यू की जगह स्मॉल एम हो जाता है। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि आपके पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है और इनके बीच में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसकी पोल स्ट्रेंथ के यूनिट 40 है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी 40 है, आपको ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल बताने क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो काम उसमें प्लस क्यू करता है वो काम इसमें नॉर्थ करेगा, जो माइनस करता है वो इसमें साउथ करेगा। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल को खत्म करता है, नॉर्थ का पोटेंशियल साउथ के पोटेंशियल को भी खत्म करेगा। तो यहां पर नेट आंसर आएगा म्यू नॉट बाय 4π, एम की जगह 40 डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट है, और माइनस म्यू नॉट बाय 4π 40 डिवाइडेड बाय 2। याद रखना नॉर्थ एंड साउथ का पोटेंशियल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, नॉर्थ हमेशा पॉजिटिव होगा, साउथ हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल लगाता है। नॉर्थ और नॉर्थ पोटेंशियल दोनों ऐड होते हैं, साउथ और साउथ भी ऐड होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ एक प्लस एक माइनस पोटेंशियल लगाता है, इसलिए मिड पॉइंट पे फिर से एक बार मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या आएगा, 0। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 0 है, ऐसी मैग्नेटिक मैग्नेट्स के अंदर भी 0 है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट है, ये लो, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ एल
एंड पोल स्ट्रेंथ एम आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर विद नॉर्थ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? देखो ये कह रहे हैं कि आपके पास दो बार मैग्नेट्स हैं. तो सपोज आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, और इसका नॉर्थ इसके साउथ को क्या कर रहा है? टच. नॉर्थ साउथ को टच कर रहा है. तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? नेक्स्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी भी एम है, लेंथ एल है, और ऑब्वियसली इसकी भी एम है और लेंथ एल है, दो मैग्नेट्स हैं. आपको नेट डायपोल मोमेंट बताना है. डायपोल मोमेंट कैपिटल एम बार मैग्नेट में डायरेक्शन क्या होती है बोलो? डायपोल मोमेंट की साउथ से नॉर्थ. इलेक्ट्रोस्टैट्स में नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें साउथ से नॉर्थ. तो फिर इसके अंदर अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, ये लो ये कैपिटल एम है, और यहां पर साउथ से नॉर्थ ये कैपिटल एम है. तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं. तो इसमें कैपिटल एम की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल एम इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू एल. और इसमें क्या आएगी? कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम इंटू एल. अब ये दो वेक्टर आपस में कितने एंगल पर हैं? 90. तो नेट वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एम इंटू एल का स्क्वायर प्लस एम इंटू एल का स्क्वायर. मार्क कर लो, ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम आपस में 90 डिग्री पे हैं. तो नेट डायपोल मोमेंट यहां से निकाल लेना. मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं? दो मैग्नेट्स रखो, साउथ से नॉर्थ होता है कैपिटल एम एक मैग्नेट का, दूसरे का भी साउथ से नॉर्थ है, और फिर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, नेट कैपिटल एम की वैल्यू आ जाए. ठीक है यहां तक? तो इसलिए इसका जो आंसर है ये वो मेरे हिसाब से सी आएगा, रूट टू की फॉर्म में आएगा, सी आएगा. नेक्स्ट फिफ्थ देखना. देखो नेक्स्ट है, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे. टू स्मॉल मैग्नेट्स प्लेस्ड आइडेंटिकली ऑन ऑपोजिट आर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. ये तो नाम का ही मैग्नेटोमीटर है, क्वेश्चन मैग्नेटोमीटर भी नहीं है, दो बार मैग्नेट्स पे है. प्रोड्यूस नल पोजीशन. नल पोजीशन का मतलब जहां नेट भी क्या हो जाता है? जीरो. और व्हेन दे आर रिस्पेक्टिवली 8 और 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. मैग्नेटोमीटर इज इन द एंड ऑन पोजीशन. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट इज 8, तो मैग्नेटिक मोमेंट सेकेंड का क्या होगा ये बताओ. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो ये कह रहा है, दो स्मॉल मैग्नेट हैं, एक ये मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट्स हैं. ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से 8 सेंटीमीटर है और इस मैग्नेट से 12 सेंटीमीटर है. अब ये जो पॉइंट है और कैपिटल एम की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी कितनी है? 8 है. आपको इसका कैपिटल एम निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब ये मैग्नेट के लिए ये पॉइंट क्या है? एक्सियल लाइन. तो तुम यहां पर एक्सियल का फॉर्मूला लगा दो. एक्सियल का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4π 2 इंटू कैपिटल एम 1 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब. और ऐसी ये जो मैग्नेट है ये यहां पे क्या लगाएगा? बी लगाएगा. कितना लगाएगा? म्यू नॉट बाय 4π 2 इंटू एम 2 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर. क्योंकि नल पॉइंट है ना, तो बी और बी आपस में कैंसल हो रहे हैं. एक एम 1 पता है, दूसरा एम 2 निकाल लेना. मैग्नेटोमीटर का इसमें कोई काम नहीं है. क्यों नहीं काम? क्योंकि टाइम पीरियड गिवन नहीं है इसमें, सिंपल एक्सियल लाइन का ही क्वेश्चन है. तो नल पॉइंट देखो, फिगर बनाने मेरे को भी समझ में नहीं आ रही थी, पर मुझे नल पॉइंट से समझ में आ रहा है कि एक बी दूसरे बी को कैंसिल कर रहा है और साफ गिवन है एंड ऑन पोजीशन है, एक्सियल लाइन है. तो मैंने एक्सियल का ही फॉर्मूला लगा लिया इसमें. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ एल है और मैग्नेटिक मोमेंट एम है, सेमी सर्कल में बना दिया, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ अगर आपको याद होगा. अगर एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है, और मान लो पोल स्ट्रेंथ एम है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बनेगा?
एम इन टू एल। आपने इसे किस में बना दिया? सेमी सर्कल में बना दिया। जो सेमी सर्कल है उसका वो अगर मैग्नेट की तरह काम करे, पोल स्ट्रेंथ एम और एम है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? आर प्लस आर, टू आर। तो नया डायपोल मोमेंट क्या आएगा? एम इन टू कितना? टू आर। पोल्स के बीच में डिस्टेंस टू आर है। अब क्योंकि लेंथ एल, ये भी लेंथ एल है, तो यानी कि एल इज इक्वल टू पाई आर, या आर इज इक्वल टू एल बाई पाई। इस आर को यहाँ पुट कर दें, एम डैश इज इक्वल टू एम इन टू टू स्मॉल आर की जगह एल डिवाइडेड बाई पाई। तो तुम अब इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड कर लें और एम डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम निकाल लें, ऑप्शन मार्क कर लें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट में बनाया था, हैंड रिटन शीट में मेंशनड है। टेस्ट नहीं हुआ ना इसका चैप्टर का, तभी थोड़े ठंडे हो, टेस्ट के बाद ही ठीक होगा। ये ठीक नहीं होगा, ऐसे मैग्नेट के लेने ही पड़ेंगे यार, तभी बात बनेगी। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर तक ही हुआ है ना, इसका तो हुआ नहीं ना, तो कैसे याद करोगे? वहीं वोल्टमीटर तक ही करोगे और क्या करोगे? मुझे बस ये बता दो इसको कैसे करें, फॉर्मूला क्या लगेगा ये बताओ। आज के लेक्चर में किया है, बार मैग्नेट ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टाइम पीरियड टी वन पता है, तो अनदर बार मैग्नेट ऑफ सेम साइज, तो ये टी वन पता है। सेम साइज का मतलब आई की वैल्यू दोनों में क्या है? सेम। और मैग्नेटिक मोमेंट फोर टाइम्स एम टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स एम वन, तो टाइम पीरियड क्या है? फॉर्मूला क्या लगेगा? टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम एच। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। एक बार टी वन एम वन, एक बार टी टू एम टू, दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव? अगर आप मेंस और नीट की प्रॉब्लम देखेंगे, आपको ऐसी प्रॉब्लम बहुत मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या फॉर्मूला लगेगा? जैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू बार मैग्नेट प्लेस टुगेदर इन अ वाइब्रेटर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इंक्रीज रूट सेवन इज टू वन, वेन वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स रेशियो ऑफ देयर मोमेंट इज। ये क्या किया इसने? वो कह रहा है कि जब मैंने दो मैग्नेट्स लिए तो उनके टाइम पीरियड की रेशियो रूट सेवन इज टू वन है। जब वन मैग्नेट को हमने रिवर्स किया तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? देखो तो इस क्वेश्चन को ना, जब ये क्वेश्चन ऐसा पूछे रिवर्स किया, 101% एक ही फॉर्मूला लगेगा, टी वन टू पाई आई डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन टू एच। फर्स्ट इक्वेशन रिवर्स करने पे बस यही इक्वेशन बनेगी, आई डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू इन टू एच दूसरी इक्वेशन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ से ये रेशियो निकाल लेना। तो टी वन बाई टी टू की रेशियो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। आपको स्क्वेयरिंग कर लेना, स्क्वेयरिंग करके रेशियो आएगी एम वन माइनस एम टू बाई एम वन प्लस एम टू। और तुम्हें इसकी रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है, और तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें एम वन और एम टू की क्या निकालनी है? रेशियो निकल जाएगी यहाँ से। मेडिकल वालों के लिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एम टू से डिवाइड कर लें, तो ये क्या बनेगा? एम वन बाई एम टू। ये क्या बनेगा? वन। ये क्या बनेगा? एम वन बाई एम टू। ये क्या बनेगा? वन। तो फिर एम वन बाई एम टू निकाल लेना, ऐसे करना है नेक्स्ट स्टेप। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नहीं। यहीं रहने दो।